हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स की ओर से जून क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। अनऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है, बोथ स्टैंडर्ड ऑन कॉन्सोलिडेटेड का फर्स्ट जून महीने का रिजल्ट है गाइस, जून क्वार्टर का, जो कि आज इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले कॉन्सोलिडेटेड कवर करेंगे, मिलियंस में नंबर है। इंकम में 196.3 करोड़ का, मार्च 24 में 187.4 करोड़ का और जून 23 में 165.5 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 144 करोड़ का, मार्च 24 में 134.4 करोड़ का और जून 23 में 122.7 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की एक्सपेंस इंक्रीज किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस, इसका प्रॉफिट में डाउन। ये एक्सपेंस इंक्रीज किया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 121.5 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का 52 करोड़ का, मार्च 24 में 53 करोड़ का और जून 23 में 42.7 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। लगभग अराउंड 90 लाख का डाउन देखने को मिला, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 38.9 करोड़ का, मार्च 24 में 45 करोड़ का और जून 23 में 32.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 1.88 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। और अगर हम इसके स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करें गाइस, तो इनकम है 95.2 करोड़ का, मार्च 24 में 91.7 करोड़ का, जून 23 में 86 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस हुआ है 56.3 करोड़ का, मार्च 24 में 52 करोड़ का और जून 23 में 50 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया, प्रॉफिट में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में भी इंक्रीज किया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38.9 करोड़ का, मार्च 24 में 39.4 करोड़ का और जून 23 में 36 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 27.8 करोड़ का, मार्च 24 में 29 करोड़ का और जून 23 में 26 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 1.34 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। तो गाइस, कंपनी का जो रिजल्ट आया इस बार अगर देखा जाए, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में डाउन देखने को मिला है, लेकिन इनकम इंक्रीज किया, लेकिन एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण ही प्रॉफिट डाउन हुआ है। और इसका रिजल्ट आया 313 में, इसका रिजल्ट आया है और रिजल्ट आते गए कंपनी के शेयर में इंक्रीज किया। लगभग 534 रुपीज़ पे कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है और 1% का प्रॉफिट देखने को मिल रही है, सॉरी 1% का प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी का शेयर तुरंत इंक्रीज किया और वापस भी इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। लास्ट के दिन जैसे शॉर्ट सेलिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ देखने को मिला। 5 मिनट के अंदर अंदर कंपनी का शेयर में प्रॉफिट बुकिंग हुआ, वापस से जिस प्राइस पे था उसी प्राइस पे आ गया 535 रुपीज़ पर आज के दिन। और 5 डे में 2.6% का प्रॉफिट है, 1 मंथ में 5.3% का और 6 मंथ में 12% का प्रॉफिट है। तो गाइस, अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं, आप एंट्री कर सकते हैं गाइस, क्योंकि सपोर्ट लिया था कंपनी कुछ टाइम पहले, बहुत बड़ी सपोर्ट ली थी, लेकिन अब यहाँ से कंपनी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकता है, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।